एसएसएलवी मिशन के साथ इसरो इतिहास रचने को तैयार है। आपको बता दें कि अपने पहले एसएसएलवी मिशन के साथ इसरो इतिहास रचेगा। सुबह 9:18 पर होगा लॉन्च, यानी कि आज सुबह 9:18 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। इतिहास रचने को तैयार इसरो यहां पर एसएसएलवी मिशन के साथ इसरो का इतिहास रचने का वक्त देखिए 9:18 पर यहां पर है लॉन्चिंग का। तो एक बड़ी खबर देखिए दर्शकों को बता रहे हैं यहां पर इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने की तरफ बढ़ता नजर आ रहा एसएसएलवी मिशन के साथ यहां पर। तो आज सुबह 9:18 पर होगा लॉन्च यहाँ पर एसएसएलवी मिशन। यहाँ पर अपने पहले एसएसएलवी मिशन के साथ इसरो जो है वो यहाँ पर इतिहास रचने के लिए तैयार। यहाँ पर आज 9:18 पर लॉन्च होगा और तस्वीर देखिए आपको दिखा रहता जाए। ये लॉन्च होने की तस्वीर देखिए 9:19 हो रहे हैं, 9:18 का वक्त था और ये लॉन्चिंग की तस्वीरें हैं जब अपने एसएसएलवी मिशन को इसरो ने लॉन्च कर दिया है, इतिहास रचा। यहाँ पर तस्वीरें देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये 9:20 के तस्वीरें हैं जब 9:18 पर इसे लॉन्च किया गया, उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। तो तस्वीरें आपके सामने इस लॉन्चिंग की, यहाँ पर इसरो लगातार देखिए अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अब भारत के लिए एक के बाद एक इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। आज़ादी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, ये अंतरिक्ष की ओर भारत की नई उड़ान हम इसे कह सकते हैं। और इसी के साथ तस्वीर हम आपको देखिए दिखा रहे हैं इसरो इतिहास रचने की तरफ आगे कैसे बढ़ रहा है, अंतरिक्ष की ओर भारत की ये नई उड़ान है जिसकी तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव ये दिखा रहे हैं भारत समाचार पर। इसरो की तरफ से यहाँ पर ये लॉन्चिंग की गई है, 9:18 पर इसे लॉन्च किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने जहां पर इतिहास रचने की तरफ बढ़ता इसरो। और कुमार पुष्कर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार पुष्कर, ये इसरो के लॉन्चिंग की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एसएसएलवी ये मिशन है, किस तरीके से भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? बिल्कुल, आजादी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और साफ तौर पर श्रीहरिकोटा से एसएसएलवी को लॉन्च किया गया है और इसका नाम दिया गया है आजादी सैटेलाइट। साफ तौर पे अंतरिक्ष में भारत की एक नई उड़ान देखने को मिल रही है और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि बच्चों द्वारा तैयार किया गया है ये, और ये लॉन्च हो चुका है आसमान पर भारत का नया हस्ताक्षर एसएसएलवी। 750 बच्चों की मेहनत आज रंग लाई है और साफ तौर पे इस इंडिपेंडेंस डे के पहले ये लॉन्चिंग बड़ी ऐतिहासिक घटना मानी जा सकती है, आजादी सैटेलाइट को लॉन्च करना और श्रीहरिकोटा से इस लघु उपग्रह प्रक्षेपण को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और एक छात्र उपग्रह का नाम दिया गया है और साफ तौर पे एक बड़ी ऐतिहासिक घटना मानी जाएगी कि भारत में अंतरिक्ष में एक नई उड़ान भरी है, 750 बच्चों की मेहनत रंग लाई है और आज ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जी। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए कई छात्रों की मेहनत से यहाँ पर इसे बनाकर तैयार किया गया है और देखिए अंतरिक्ष में भी हम कह सकते हैं इससे तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुमार पुष्कर, ये कितने छात्रों की मेहनत थी इसमें इसको बना, इसकी लॉन्चिंग से पहले की, जरा वो भी बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, 750 बच्चों ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर मेहनत की। एसएसएलवी जो आसमान में भारत का नया हस्ताक्षर होगा और आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर नया ऐतिहासिक भूमिका साफ तौर पे सैटेलाइट में बच्चों की तरफ से लॉन्च किया गया है। 750 बच्चे इस पूरे एसएसएलवी D1 को लॉन्च करने में सहायता की है और आज एक बड़ी घटना मानी जा सकती है। 15 अगस्त के पहले आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर जिस तरह से इस एसएसएलवी D1 को लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से, साफ तौर पर एक बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी, देश के सम्मान की बात है और आज अंतरिक्ष में भारत की एक नई उड़ान लॉन्च हुई है
और साफ तौर पे इस छोटे सैटेलाइट को एसएसएलवी से छोटे सैटेलाइट है, छोटे सैटेलाइट के लिए जरूरी था क्योंकि इसकी कई काम है जो देश की सेवा में एक अहम भूमिका हो सकती है इस सैटेलाइट के द्वारा। और 750 छात्रों ने इस सैटेलाइट को तैयार किया है और नाम दिया है आजादी सैटेलाइट। और अभी थोड़ी देर पहले श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है। जी बिल्कुल कुमार पुष्कर, देखिए इसे आजादी सैटेलाइट के नाम से देखिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है, लेकिन एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव, ऊपर से इसका नाम भी आजादी पर ही पड़ा है और आजादी के 75 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। अब अंतरिक्ष में भी कहा जा रहा है कुमार पुष्कर कि इस सबसे छोटे सैटेलाइट से तिरंगा फहराया जाएगा। बिल्कुल, इसकी लंबाई 34 मीटर है, वजन 120 टन, व्यास 6.7 फुट और कुल स्टेज 4 है। तो कहीं ना कहीं इस छोटी सैटेलाइट को काफी जो 750 बच्चे हैं जो जिन्हें चुना गया था इस पूरे सैटेलाइट को तैयार करने में, उनकी मेहनत रंग लाई है और इसे खास जरूरत थी देश के लिए अंतरिक्ष में कि किस तरह से छोटे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए। और आज ये सफल लॉन्चिंग साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार पुष्कर तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल आपका। तो देखिए भारत के सैटेलाइट मार्केट में बड़ी कामयाबी से हम कह सकते हैं। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।